हेलो फ्रेंड्स, आरतीज पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चना चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि 2 मिनट रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में दिए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। थैंक यू। आइए फ्रेंड्स, तो आज बनाते हैं चना चाट, जो कि बड़े और छोटे दोनों बना सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट फायर बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने चने ले लिए हैं, जो कि मैंने रात भर भिगो के रखे थे, और सुबह मैंने प्रेशर कुकर में इनको 3 से 4 विसल दिला लिया। आधा चम्मच नमक डाल दिया, और उसके बाद में मैंने ये ले लिए हैं प्याज 1 कटोरी, 1 टमाटर और खीरा, और कुछ पुदीने की पत्तियाँ, कुछ धनिए की पत्तियाँ, 1 हरी मिर्च काट के रखी है, आलू मैंने काट के रखा है 1 बॉयल, और 2 चम्मच नींबू का रस, और ग्रीन चटनी मैंने ली है 1 चम्मच। आप चाहे तो ग्रीन चटनी स्किप भी कर सकते हैं। और मसालों में मैंने नमक आप स्वाद के अनुसार ले लीजिए, लाल मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और ब्लैक सॉल्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो मत डालिए। और नमक आप अपने अकॉर्डिंग ही डालिए, क्योंकि हमने चने को बॉईल करने वक्त भी नमक डाला था। तो आइए अब चने में सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। ये प्याज डाल लेते हैं चने में, जो मैंने बारीक चॉप करके रखा था। ये टमाटर, ये खीरा, ये उबले हुए आलू, ये चाट में बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये कुछ पुदीने की पत्तियां डालेंगे, इनसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ये धनिया की पत्तियां, ये 1 हरी मिर्च, ये ग्रीन चटनी हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो मत डालिए, मैं डालूंगी। और हम अब सारे मसाले डाल लेते हैं। ये मैं रेड चिली डाल रही हूँ, ये धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर, ये चाट मसाला, ये आमचूर पाउडर, और ये काला नमक, और थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट डालेंगे। ये सब चीजें सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हमने पहले से भी डाला हुआ है। और अब हम इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी अब चना चाट जो है अच्छे से मिक्स हो गई है, और ये बिल्कुल अब सर्विंग के लिए रेडी है। तो आइए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमारी चना चाट सर्विंग के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और साथ में दिए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।